स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। आज हम सीखेंगे नेकलाइन कैसे बनाया जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये सिंपल नेकलाइन है, मगर इन कोनों को बनाना खूबसूरती से वो भी आसान नहीं है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बनाएंगे। ये जो कोने बने देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से। अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोनों को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, तो इसी टॉपिक पे हम ये वीडियो लाए हैं। चलिए जल्दी से इसे सीख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 3-4 कलर के कपड़े हैं, एक लेस है और ये टिश्यू है, ये कपड़ा है और ये कटा हुआ है। ये बाजू प्लेन कटी हुई है, देख सकते हैं आप। इसे अभी आपके सामने कोना काटेंगे। ये कपड़ा है और अस्तर भी कटा हुआ है उसके साथ। ये नॉर्मल सा बाजू कटता है। ये देखिए गला कटा हुआ है और ये कपड़ा है, नेट है और ये अस्तर है। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। देखा जाए तो ये सिंपल सा गला है, मगर कोनों को घुमाने के लिए अगर आप कोना नहीं बनाने जानते खूबसूरती से, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो प्लीज़ देखें, बहुत ही ज़रूरी। हाथ में फिनिशिंग लाने के लिए ये सब करना पड़ता है। और कोना हो या गोलाई हो, इस चीज़ में अक्सर लोग मार खा जाते हैं। राउंड भी सही से नहीं हो पाता है और कोने भी सही से नहीं बन पाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप कोनों को खूबसूरती से बनाएं, चाहे जितने भी कोने हों। ये देखिए कोनों को एक बार सिल के और हम पलट देंगे इसे। कई बार ऐसा होता है कि कोनों को डायरेक्ट पलटा जाता है तो उसमें सिर्फ एक ही पट्टी बैठेगी, और एक होता है जिससे कोनों में हम प्लेट मारकर उसे बैठाएं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फिनिशिंग का फिनिशिंग भी होगा और खूबसूरत का खूबसूरत भी। देख लीजिएगा आप ये पूरा वीडियो। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए ब्लैक कलर का कपड़ा है, इसे आप तिरछी काटें। तिरछी यानी उरेब। ये तो कट रही, सीधी दिख रही है, मगर ये उरेब है जो हर पट्टी बैठाने में खूबसूरत बैठती है, इसीलिए हम बता रहे हैं। ये देखिए ये उरेब की कटी हुई है, वेस्टेज पड़ा हुआ था तो हमने इसे काम पे लगा दिया। ये देखिए ये दो साइड नहीं मोड़ना है, सिर्फ एक साइड मोड़ना है, किनारी के साइड। ये देखिए एक साइड मोड़ना है सिर्फ, बाहर के साइड आपको। ये देखिए अब यहाँ कोनों पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से काट दीजिए और थोड़ा सा इसे यहाँ तक सिल लीजिए। ये देखिए और फिर यहाँ से फिर शुरू हो जाइए। ये देखिए कोना बनाना एकदम ईजी और ये खूबसूरत भी लगती है। ये देखिए कि इसलिए एक साइड खुली है, फिर वो दूसरी पट्टी से ढक जाएगी और उसकी फिर जो खुली हुई एक साइड है वो तीसरी पट्टी से ढक जाएगी और जो चौथी पट्टी है उसे हम लेस से ढक देंगे दोनों साइड। वीडियोस तो बहुत आते हैं, मगर हम आसान तरीके से इसे बताएंगे आपको। ये देखिए ये बाजू, ये सीधी कटी हुई है, मगर हम इसे कोना बनाएंगे दोनों को। ये देखिए कोना बन चुका है,
जब गले में कोना बना हुआ है तो हम बाजू में भी एक कोना बना ही देंगे ताकि वो सेटिंग खूबसूरत हो। ये देखिए, इसको भी गले की तरह बस पलटी कर देना है। ये देखिए, दोनों को पलटी कर देंगे। ये पलट चुके हैं हम। पलट कर एक सिला चला दीजिए। ये देखिए, चलिए इस पे भी एक सिलाई मार देते हैं। ये देखिए, हमने सिलाई मार दिया है कि दोनों बाजू एक साथ बन रही हैं। देखिए किस तरीके से। अब ये काली पट्टी लगाने वाले हैं, गले में भी हमने लगाया और बाजू में भी उसी पैटर्न में उसी कलर के हिसाब से लगाएंगे। ये देखिए, वहाँ पे काट दें, एक इंच रख कर काट दें और फिर चढ़ाकर सिल दें। आपको कोनों घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये देखिए खूबसूरत कोना। इसी के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है ताकि कोनों का आप खूबसूरत बना सकें। ये देखिए, थोड़ा सा कपड़ा घट चुका है तो हमने फिर से काटा। उरेब रखें, तिरछी रखें। ये देखें, ये चमकीला कपड़ा है क्रीम कलर का, इसे भी हम लगाने वाले हैं। 1.5 इंच की चौड़ाई पर हम इसे काट लेंगे, 2-3 काटेंगे उसमें हो जाना चाहिए। चलिए इसे हमने काट लिया। ये देखिए, ये हमने एक लेवल की चौड़ाई ली और उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने पहले पट्टी लगाई है। ये देखिए, वहाँ पर वैसा ही बनेगा जिस तरीके से हम पहले बनाए। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है ये कोना बनाना। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये दूसरी बाजू। मैंने सोचा ये वीडियो थोड़ा फास्ट कर दूं, मगर मैंने नहीं किया। अगर आपको ज़्यादा लंबा लग रहा है तो आप इसे कट करके देख सकते हैं, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा, संक्षिप्त में देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आराम से देखिए और सीखिए,
एक बार देखने से कुछ ज़्यादा घाटा नहीं है, हम टाइम वैसे भी वेस्ट कर देते हैं बहुत सारा। ये देखिए कोने वहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत बन रही है। ये देखिए इसमें और कुछ नहीं है खासियत, खासियत वही है कोना, कोनों की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए ये हम नीले रंग की पट्टी एक और लगाने वाले हैं, यानी तीन पट्टियां और एक लेस इसमें हम लगाने वाले हैं। ये भी तिरछी कटी हुई है। ये देखिए आप बचे हुए कपड़ों के टुकड़े से भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा इसमें लगेगा नहीं। ये देखिए ये देखिए कोने कितने खूबसूरत, ये तीसरी पट्टी लग रही है, एकदम बराबर से लगाएं। यही देखिए फिनिशिंग लाना है तो हाथ आपको सीधी करनी पड़ेगी। ये देखिए पट्टियाँ एकदम सीधी सीधी लग रही हैं, कितनी खूबसूरत। ये देखिए तीन पट्टी लग चुकी है, अभी बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस पे भी हम लगा देंगे। ये देखिए बाजू के कोने भी खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए चलिए दूसरे में लगा लेते हैं। आराम से देखिए आप वीडियो, कोई जल्दी नहीं है। मेरे और भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ये देखिए कोने कितने खूबसूरत, ये लेस है, ये दोनों साइड बंद है, यही तो कमाल है और इसी से वो काम होगा बंद करने वाला। चलिए एक साइड हिसाब से ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये कोना बनाना है, लास्ट है, इसीलिए ये किसी चीज़ से ढकने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोना बना दें खूबसूरती से, एक चुन्नट मार के यहाँ पर प्लेट एक लगाएं हिसाब से और ये कोना बना दें। ये देखिए
दूसरा वाला भी। ये आप पहले भी सेव करते कर सकते थे। ये देखिए हमने लेस लगा लिया। अब देखिए ये बचे हुए कपड़ों का आप सेव कर दें कैंची से। आप अंदर के कपड़ों को आराम से सेव करें, लेस भी नहीं कटना चाहिए और ब्लाउज कपड़ा भी नहीं कटना चाहिए। एक और आइडिया हम बताते हैं आपको, अगर आपका एम है कि कितनी दूरी पे वो लेस कट जाएगा, ढक जाएगा कपड़ा, तो आप उसे पहले भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए सेव कर दिया हमने, बाहर आ रहे कपड़ों को। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, ये देखिए कोने बन गए। ये एक बाजू है, ये देखिए अस्तर को भी हमने सेव कर दिया। ये देखिए दूसरे को भी इसी तरीके से बना लेना है। चलिए गले का बताते हैं। ये देखिए अगर आपको अंदाजा है कि कितनी दूरी में आ जाएगा तो ये आप पहले भी सेव कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन अगर इसमें कम ज़्यादा हो जाए तो आपको भारी पड़ सकता है, इसीलिए आप वही करें बाद में सेव करने वाला, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो वो सेफ रहेगा। ये देखिए इस पर भी लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लेट बनाते चले। ये देखिए हमने पहले सेव कर दिया था तो हमें बाद में सेव करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कितनी खूबसूरत कोने और कितना खूबसूरत ही गला लग रहा है। हालांकि ये नॉर्मल सा है, कोई ज़्यादा हार्ड डिज़ाइन है नहीं, लेकिन बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए इस पर हम दूसरी सिलाई चला देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सहेलियों को ये बताएं कि किस तरीके से कोना बनेंगे, और वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, हमारे और भी वीडियो देखने के लिए आप यहाँ स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं। ये दो वीडियो हैं, एक अनारकली सीखने के लिए और एक लहंगे की कटिंग सीखने के लिए। आप दोनों में से एक क्लिक कर लें और देख लें ये कैसे बनता है। आपका समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।